जबरदस्त। अच्छा मुझे पता है मशवरे मिलते हैं हमारे यहाँ बहुत ज्यादा। हाँ। आपको पता है हमारे यहाँ तो मैं भी देती हूँ, कॉमी खेल है हमारे यहाँ। तो कोई किसी ने कोई मशवरा दिया हो जो आपने सुन लिया हो, और कोई ऐसा मशवरा जो आपने इग्नोर कर दिया हो? मैंने बहुत मशवरे इग्नोर किए हैं, लेकिन मैं मशवरे लेती जरूर हूँ। ठीक है। ये तो मेरे घर से मुझे मिला है। हम लोग जब कोई भी काम करना शुरू करते हैं, या थे जब मैं छोटी होती थी, यानी टीनेजर कह लें, तो हमें सिखाया इसलिए गया था, ऐसे ही गया था कि कैसे खुद डिसीजन लेना है और फिर उसको झेलना भी है, अगर वो गलत हो जाए, और अगर वो अच्छा हो जाए तो फैलना नहीं है। हाँ, ठीक है। तो तमीज़ में रहना है ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हमारे घर की तरबियत का हिस्सा थी। और मशवरे ये होता था कि मैं आई हूँ, जैसे ये एक्टिंग का ही था, तो मैंने उनको बोला कि मैं एक्टिंग में जा रही हूँ पूरे तरीके से, मैं एकेडमिक भी अपना रखूँगी, क्योंकि मैं एनसी में पढ़ा रही थी उन दिनों। मेरा ग्रेड उस वक्त 17 ग्रेड था, फेडरल गवर्नमेंट का ये इदारा है, तो इट वाज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ अरसे के लिए हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट भी रही सिरामिक्स की। तो ये सब करते करते मैंने एक्टिंग भी साथ की, तो मेरे घर में सब कहते थे क्यों कर रही हो, यू नो, तुम देखो क्या बातें पता चल रही हैं, देखो एक्ट्रेसेस का जो धब्बा लग जाता है, उस तरह की बातें जो एक मिडिल क्लास सोच का प्रॉब्लम होता है, और होना भी चाहिए, कोई बात नहीं, आप तमीज़ में रहते हैं। तो ये बातें होती थी, तो फिर मैं जरा करती थी और मैं कहती थी कि भाई नहीं, मुझे ये इसके अंदर प्रोज नज़र आ रहे हैं, कॉन्स भी हैं, इसमें बुराइयां भी नज़र आ रही हैं, मसले हैं, लेकिन मुझे ये फवायद ऐसे लग रहे हैं जो मेरी ज़िंदगी में मुझे आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, तो मैं कोशिश करूँगी मैं इन पर फोकस करूँ, और अगर नहीं करूँगी, फिसल गई, तो आप लोग हैं मुझे बचाने वाले, आप संभाल लीजिएगा। तो बहुत सारी जगहों पर मैंने शादी के लिए मैंने अपनी बदत चलाई, हो सकता था बहुत गलत जगह जाती, निपटी ना, लेकिन एक दिल से अंदर जो एक नियत होती है, और फिर एक आवाज़ होती है, आपको अपनी आवाज़ सुनने की बहुत ज़रूरत है, जो आपके अंदर का, कभी कभी हमें बहुत सारी बातें हमारे अंदर से आ रही होती हैं, पर चूंकि बाहर की इंट्रैपिंग्स इतनी ज़्यादा होती हैं, तो हम कहते हैं कि मुझे ये चाहिए तो मैं इसको इग्नोर कर, तो उस दिन से हाँ अपने अंदर की आवाज़ सुनो, आप अंदर की आवाज़ सुनिए और अपनी टांग को ठीक करिए। मेरे अंदर से तो गाली निकल रही है, दर्द हो रहा है, आवाजें तो नहीं निकल रही। दीजिए मैं आपका साथ देती हूँ। नहीं, नहीं, मैं बार बार अपने पैर को यूं कर रहा हूं। नहीं, 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 बड़ी मेहरबानी। देखिए मुझे बहुत शौक है गालियां देने का। मैं चला यहां से चीर हो गया। ये तो पठानी जबान में कोई गाली थी, नहीं ये पंजाबी में आती। खवातीन हज़रात, इससे पहले कि यहाँ गालियों की अंताक्षरी शुरू हो जाए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आइए हमारे साथ मौजूद है कैफ गज़नवी। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मजेदार मजेदार द मजेदार शो।